इसके बाद से कोई जरूरत है उनको रिसोर्ट में रखने की। लेकिन जो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा है कि हम गुजरात को ही अगर रीड करें, मतलब आप इस मैसिव मैंडेट की कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। आप अक्रॉस द स्पेक्ट्रम देखें, चाहे ओबीसी, दलित, कोली, आदिवासी, कैसी कैसी पाटीदार तो छोड़ दिया, पाटीदार बीजेपी का क्लीन स्वीप है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुस्लिम जो डोमिनेंट सीट्स हैं वहां पर भी बीजेपी जीती है। इसका अर्थ यह है कि लैंडस्लाइड थी चारों तरफ सर्व समाज। ये जो लोग आज सुबह कास्ट के गणित बता रहे थे, अर्बन रूरल बता रहे थे, ये सारे इक्वेशन ध्वस्त हो गए हैं। और यह जो सो हिस्टोरिक जीत जो है सो 157 के इस लीड और ट्रेंड के साथ दिखाई दे रही है, मतलब सारी जाति की दीवार गिरी है। अमन जी, नीति नियत और नैतिकता की जीत हुई है। आप दूसरी तरफ आप देखिए राहुल गांधी हिमाचल में, गुजरात में, गुजरात की बात मैं करूं, हिमाचल में एंटी इनकम्बेंसी तब देखिए, गुजरात में किसकी जीत हुई है फिर? सुनिए, गुजरात में नहीं, हिमाचल में किसकी जीत हुई है फिर? सुनिए सुनिए, नीति और नैतिकता की बिल्कुल हुई है, आप देखिए ना। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। 26 सीट, यदि 26 के जगह 16 होता तो एंटी इनकम्बेंसी देखा जाता, आप बहुत ज्यादा अंतर नहीं देख रहे हैं। उसके बाद फिर गुजरात के ऊपर चिंतन करने की जरूरत है कांग्रेस को। आप उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी गुजरात जाए छे और आप आइए, बीजेपी जाए छे और आप आए छे, कहाँ है आप बताइए? 5 सीट आपने सूरत में, सबसे पहले सूरत में 35 सभाएं की, आप कितनी सीट है देखिए सूरत में? आप जहां जहां मुस्लिम, हिमाचल में किसकी जीत हुई? हिमाचल में किसकी जीत हुई है? हिमाचल में देखिए नीति और नैतिकता की हुई है बदलाव। देखिए पहाड़ों में देखा जाता है कि बदलाव आते हैं, लेकिन उस तरह का बदलाव नहीं। फिर गुजरात के ऊपर मैं फिर से आना चाहता हूँ। आते 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 छोटा 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 रखेंगे मेरे को अशोक भाई के। मेरा के शर्मा जी से सवाल है, जिस प्रकार से ब्रजेश जी और कह रहे हैं और आंकड़ा आंकड़ा भी दिखा रहा है कि मुसलमानों ने गुजरात में दिल खोल के आपको सपोर्ट किया है, लेकिन जब राजनीतिक भागीदारी की बात आती है तो एक भी मुसलमान को आपने टिकट नहीं दिया, क्या कारण है? क्या कारण है? शर्मा जी जवाब दे दीजिए कि मुसलमानों ने दिल खोल कर वोट दिया बीजेपी को, शायद 80% मुस्लिम बेल्ट में बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं 12 में से 10, लेकिन वो कह रहे हैं एक भी उम्मीदवार को टिकट नहीं देते हैं आप। शर्मा जी, अमन जी, ऐसा है जो हमें वोट मिले हैं, यदि अल्पसंख्यक वर्ग के भी वोट मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, यहीं नहीं उत्तर प्रदेश में भी मिले थे, तो वो डेवलपमेंट के लिए मिले हैं, वो भागीदारी के लिए नहीं है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ धर्म और जाति के आधार पर भागीदारी नहीं होती है। जिन लोगों की इस तरह की मानसिकता है उनको वो ऐसी मानसिकता जो है मुबारक हो, यह देश अच्छा, चलता है, इसमें भागीदारी नहीं तय होती। यदि हमने डेवलपमेंट किया, एक सेकंड नहीं उसी से जुड़ा हुआ है वो दोनों सवाल साथ बस में। मैं इतना कह दूं, नमस्कार, मेरा नाम आकृति भाटिया, राजनीतिक विश्लेषक। ये जो धर्म का मामला है, खास तौर पे गुजरात में भी एक तरह से हिंदुत्व पॉलिटिक्स ऑपरेट करता है वोटर्स के बीच, तो जहाँ पे भी मुस्लिम बहुले क्षेत्र है वहाँ पर एक तो पोलराइजेशन ज्यादा होने की टेंडेंसी रहती है, और दूसरा जब हम लोग वहाँ पे आंकलन के लिए गए थे तो देखा था कि थोड़ा सा डर की भावना भी है कि जब तक बीजेपी रूल रहेगा तब तक सेफ। किसके अंदर डर है? जो मुसलमानों से जब बातचीत हुई थी कि एटलीस्ट शांति पूर्वक रहता है, जैसे ही आउट ऑफ पावर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है डर बना रहता है, तो इस पर ये बड़ा सवाल। इसका जो तौख डाला जाता था कि मुसलमानों को दिखाया जाता था नहीं तो मुस्लिम जो है वो डोमिनेट कर जाएंगे, 9.5% आबादी यहाँ, तो वो पूरे समीकरण के शर्मा जी, यहाँ तो मुसलमानों ने भी आपको वोट कर दिया, तो जो मुसलमानों का डर, जो वैसी का डर दिखाया जाता तो वो भी काम नहीं कर रहा। एक बार प्रशांत के पास जाने से पहले अशोक जी, यही बात का जिक्र अमित शाह ने भी किया था, 2 दशकों से गुजरात में एक दंगा नहीं हुआ, 2002 की याद दिलाई थी। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं इस जो बात है वो है, लेकिन यदि दंगा करने वाले ही सत्ता में हो, ये भी एक सवाल। किन की बात कर रहे हैं आप? दंगा करने वाले जो पहला गुजरात में दंगा क्यों हुआ, गुजरात में किस लिए दंगा हुआ, किस लिए हुआ? साबरमती में 56 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया। एक सेकंड जला दिया, उसके बाद एक्शन लेना किसका काम था? सरकार का काम था। सरकार दंगा होने देगी क्या? कहां होने दिया? क्लीन चिट मिली है? क्लीन चिट मिली नहीं एसआईटी में सर? यही क्लीन चिट नहीं मिली एसआईटी में? पूरी बात करने दो ना यार, या तो तुम या तो ना शर्मा जी को बोलने दो, यदि बीजेपी की तरफ से भी स्पोक्स पर्सन, एसआईटी की तरफ से तो बोलूंगा ना सर, एसआईटी की तरफ तुम क्यों? एसआईटी की क्लीन चिट होगी, फैक्ट्स को रिपोर्ट करना थोड़ी ना।
एसआईटी ने ये कहा कि मोदी जी का हाथ नहीं है उसमें। बोला कि पूरा षड्यंत्र रचा गया था, डिजाइन के तहत बदनाम किया गया। षड्यंत्र रचा जाता है, बदनाम किया जाता है, सब कुछ होता है, सरकार में कौन है? ये उसकी जिम्मेदारी थी कि षड्यंत्र होता कैसा है, कैसे बदनाम होता है, ये दंगे कैसे होते हैं, लाशें कैसे गिरती है, कैसे लोग जलाए जाते घर में, कहीं ना कहीं तो जिम्मेदारी थी। ये तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। हम लेके थे, आपने किया, लेकिन आपके कार्यकाल में ये हुआ है, पॉइंट नंबर वन। दूसरी बात, जो बार बार कहा जाता है ये चर्चा होनी चाहिए, ये शांत के पास चलते हैं। ऐतिहासिक जीत है, बिल्कुल ऐतिहासिक जीत है। जब जीत ऐतिहासिक होती है तो जीत ऐतिहासिक होती है। हिमाचल की जीत बोले इतनी थोड़ी जीत है, वो तो हम 26 पे आ गए तो हमने टप दी। जब 99 पे बीजेपी गुजरात में आई थी पिछले चुनाव में, तब सब लोग ये कह रहे थे कि सवाल 99 का नहीं है, सवाल सत्ता में वापस आ गए। जब आप 99 पे आते हैं तो सत्ता में आते हैं, और जब यहाँ कांग्रेस सत्ता में आई है तो आप कहते हो कि हमारा प्रदर्शन बुरा नहीं है। तो ये जो परिभाषा लगातार पॉलिटिकल पार्टीज करती है, परिभाषा हाँ हाँ रीमा, मैं थोड़ा प्रशांत के पास चलती हूँ क्योंकि मुस्लिम वोटर से ही जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन उनके पास है। कितने परसेंट वोटर ने वोट दिए हैं ये प्रशांत सीधे इस वक्त हमें बताएंगे हैदराबाद से। रीमा ये बेहद अहम है और ये एक बेहद अहम खबर भी आ रही है इस वक्त रिजल्ट हब में, जो सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वानखेड़े जी जो बात कह रहे थे कि जिम्मेदारी आखिर होनी चाहिए, एक बेहद अहम ट्वीट जो अमित शाह का आया है सामने, गृहमंत्री का, उन्होंने कहा है कि गुजरात ने खोखले वायदे, रेवड़ी और तुष्टिकरण की राजनीति को नकार दिया है। तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर किस पर आरोप है, इशारा ये समझा जा सकता है, लेकिन ये बात उन्होंने इसलिए भी कही है क्योंकि मुस्लिम बहुल 10 ऐसी सीटें हैं जहां 30-40% से ज्यादा मुस्लिम बहुल सीटें थी, उनमें से 9 सीटों पर या तो बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, कई सीट डिक्लेयर हो चुकी है बीजेपी के पक्ष में, सिर्फ एक ही सीट है इमरान कांग्रेस के जहां से उम्मीदवार जीते हैं। और ये सबसे अहम बात भी है कि ये एक बड़ा आंकड़ा है, अब तक जितनी सीटें बीजेपी ने यहां पर जीती है अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए। अमन, ये बहुत बड़ी बात है, जिस पॉइंट पे हम चर्चा कर भी रहे थे, तो मैं चाहूंगी किसी बात को हम आगे बढ़ाते भी हैं। वानखेड़े जी की बात का जवाब देना कि ये देखिए कि तीन स्टेट में अलग अलग पार्टियां आई, तीनों पार्टियां। अब देखिए कल दिल्ली का रिजल्ट था, आज दो और स्टेट्स का रिजल्ट है। अब तीनों रिजल्ट्स में देखिए अंतर कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो कितनी थंपिंग मेजोरिटी से जीती है और अपोजिशन की हालत क्या है 16, और जहां हारी है भारतीय जनता पार्टी उसकी स्थिति क्या है, आज भी टुलटुल आ रहे हैं वो भी जीतने हारने भी, और कल वाला क्या है, कल 104 सीटों के साथ एक टुलटुला कहते हो यार, 39 में तो टुलटुला मत कहो, अब मुख्यमंत्री ने इस्तीफा भी देने जा रहे हैं, अब तो टुलटुला मत कहो, अब तो टल हो गया है। ये जो मैंडेट आया है इसके बाद जो बड़ा चुनाव है 2024, कई राजनीति के जो जानकार है वो कह रहे थे कि अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस कुछ भी गड़बड़ होगा तो सीधे 2024 पे असर पड़ेगा। अब जो परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है तो इसका भी तो असर पड़ेगा 2024। देखिए जहां तक लोकसभा तो विपक्षी पार्टी के लिए क्या, देखिए जहां तक लोकसभा चुनाव के हिसाब से है, गुजरात जो सो पिछले दो चुनाव में आप देखें लगातार 25 की 25 सीटें दे रहा है, तो जो है सो उसमें वो कंप्लीट कंसोलिडेशन, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। विपक्ष के लिए जो सो काफी डिमोरलाइजिंग है, जो अगर मान लीजिए जो सो यहाँ पर थोड़ा भी मार्जिन अगर जो है टाइट होता तो फिर जो सो एक हवा बहती के देखिए मोदी के खिलाफ उनके गृह राज्य में माहौल पैदा। एमसीडी